मैं सुनील सर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आज हम क्लास 12 लेसन 2 के केमिस्ट्री के अंतर्गत एग्जाम्पल 2.9 को अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहता है कि 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल जिसका सूत्र है C2H6O2 को 600 ग्राम जल में मिलाया गया तो बिलियन के हिमांक अवनमन और हिमांक की गणना कीजिए। तो चलिए हल करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बात है हिमांक अवनमन से संबंधित है, तो आप जब एथिलीन ग्लाइकॉल की मोललता निकालते हैं तो एथिलीन ग्लाइकॉल के मोलों की संख्या बटा में जल का भार वो भी किलोग्राम। तो पहले आप यहाँ पर अलगे एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल निकालेंगे तो भार बटा अणुभार, भार आप देख रहे हैं। देखिए जो भी आपका देगा वह विलेय होता है, ठीक है ना, देख रहे हैं ना। 45 ग्राम है एथिलीन ग्लाइकॉल, 600 ग्राम जल है, जिसकी मात्रा अधिक रहेगी वह विलाय करेगी। तो 45 बटा 62, जब 45 में 62 ग्राम से ग्राम कट जाएगा तो 0.73 प्रति मोल ऊपर जाएगा तो मोल हो जाएगा, तो एथिलीन ग्लाइकॉल के मोलों की संख्या हो गया। तो जल के किलोग्राम में द्रव्यमान, हालांकि जल का जो आपका द्रव्यमान दिया गया है ये 600 ग्राम है, 600 ग्राम है, लेकिन आप किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 से भाग देंगे तो आपका 0.6 किलोग्राम आ जाएगा। अब एथिलीन ग्लाइकॉल की मोललता जब निकालेंगे तो विलेय के मोलों की संख्या, देखिए एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल है ना, यही है मोललता निकालने का सूत्र यहाँ पर जो देख रहे हैं। तो एथिलीन ग्लाइकॉल के जो मोल हैं 6.73 है और जल का किलोग्राम में द्रव्यमान 0.60 है, 0 हटेगा तो 73/60, 60 से भाग देंगे 73 में 1.2 मोल प्रति किलोग्राम हो जाएगा, समझ गए बात को। लेकिन हमें हिमांक का अवनमन डेल्टा टी एफ बराबर पढ़े भी होंगे के बी गुणे एम, ये सूत्र होता है आप जरूर याद रखेंगे कि डेल्टा टी बी बराबर के बी गुणे एम। तो के बी का मान आपके पास है 1.86 दिया नहीं है, लेकिन आपके क्वेश्चन जब दिया रहेगा तो उसमें दिया रहेगा 1.86 गुणे आप जब मोललता निकालें तो 1.2 है, दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 2.2 केल्विन में इसका आंसर आएगा, क्योंकि आप देखिए किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा, मोल से मोल कट जाएगा तो केल्विन में आपका आंसर आ जाएगा। अब हिमांक का अवनमन है, तो हिमांक का अवनमन में आपका जो सबसे पहले जो विलय होता है 277.15 और -2.2 घटा देंगे तो 270.95 केल्विन आपका आंसर आ जाएगा। तो हिमांक का अवनमन यही होता है कि जो शुद्ध टेम्परेचर होता है, जो शुद्ध ताप होता है, यानी डेल्टा जो टी एफ होता है वह शुद्ध जो टी नाट होता है उसमें से जो टी आता है उसको हम लोग घटा देते हैं। तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को हल किए होंगे, फिर भी अगर कोई डाउट है, देखिए अगर आप यहाँ पर समझ जाते हैं कि सर कैसे निकाला गया, तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है डेल्टा टी एफ बराबर टी एफ नाट माइनस टी एफ, हमें निकालना क्या है टी एफ का मान निकालना है, टी एफ नाट का मान दिया गया है, अब हल भी किया है 273.15 होता ही है और डेल्टा टी एफ का मान आप निकाले तो 2.2 है, इधर कर देंगे घट जाएगा तो आपका आंसर आ जाता है। तो चलिए नेक्स्ट के जो होगा नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए।